तो अगर आपके पास ये पुराने एंशंट कॉइन्स है, कॉपर में, सिल्वर में या गोल्ड में, अगर आपको उनके कॉइन्स के बारे में पता नहीं है, कॉइन कौन से राजा का है, कौन सी स्टेट का है, तो दोस्तों हम आपको वही बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉइन्स और नोट्स के बारे में सही जानकारी लेने का, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको कॉइन्स नोट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दोस्तों अभी मैं पूरे एंशियंट कॉइन्स के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मुझे भी सारे एंशियंट कॉइन्स के बारे में नहीं पता है। मैं अभी फेसबुक की हेल्प लेता हूँ अपने पुराने ओल्ड कॉइन्स के बारे में पता करने के लिए। तो दोस्तों आज आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे आप भी पुराने सिक्के, अगर आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पता है तो आप भी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, ऐसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपके पास भी कुछ एंशियंट कॉइन्स आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो दोस्तों फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉइन्स और नोट्स के बारे में जानकारी लेने का। तो दोस्तों सबसे पहले आप सर्च करेंगे फेसबुक पे इंडियन न्यूमिस्मैटिक रिसर्च ग्रुप, यहाँ देख सकते हैं पहले नंबर पे ये ग्रुप आ चुका है। दोस्तों इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और कुछ देर में आपको अप्रूवल मैसेज वहाँ मिल जाएगा। तो मैंने ग्रुप पहले से ज्वाइन कर रखा है और इस ग्रुप में 10,893 मेंबर है। इस ग्रुप को क्लिक करें किया करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका कोई एंशियंट कॉइन था, अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसके कॉइन के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आपके कलेक्शन में है, आप उसको जानने जाते कॉइन कौन सा है, कौन सी स्टेट का है, किस राजा का है, तो यहाँ पर आपको ग्रुप बिल्कुल हेल्प करेगा। तो दोस्तों आप पहले ग्रुप देख लीजिए। तो पहले ग्रुप ज्वाइन कर लिए तो पहले ग्रुप्स के अबाउट में आप जाके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। दिस कम्युनिटी ऑफ पीपल हैव अ पैशन ऑफ कलेक्टिंग इंडियन कॉइन। द फॉरम इज क्रिएटेड फॉर द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मैटर रिलेटेड टू कॉइन कलेक्शन। अवर ग्रुप इज अवर कॉइन वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ कॉइन कलेक्शन व स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट कॉइन्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स। रूल्स पढ़ लीजिएगा एक बार। नो स्पैमिंग, पोस्ट अवर न्यूमिस्मैटिक रिलेटेड आर्टिकल्स, नो मिसबिहेविंग, डोंट अब्यूज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, पोस्टिंग ऑफ प्राइसेस, ऑक्शन, सेल्स, वॉन्ट लिस्ट, साइट्स आर नॉट अलाउड। मैं यहाँ पे आप कॉइन्स और नोट्स को बेच नहीं सकते हैं, यहाँ सिर्फ आपको कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सिर्फ जान सकते हैं। फोटो पोस्टेड विदाउट एनी डिटेल मैसेज और बोथ साइड डिलीटेड विदाउट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन सेंड कर दे तो आपका पोस्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ न्यू न्यूमिस्मैटिक पब्लिकेशन इज अलाउड, एवरी मेंबर अलाउड 4 पोस्ट पर डे इन ग्रुप। आप डेली के 4 पोस्ट इस ग्रुप में डाल सकते हैं। अगेन एफ आर नॉट फॉर सेल, वर्ड इज नॉट अलाउड इन ग्रुप। नोट, एडमिशन ऑफ दिस ग्रुप रिजर्व द राइट टू डिलीट पोस्ट एंड कमेंट्स, दे आर स्पैम, ऑफेंसिव एंड पर्सनल अटैक्स आर अदर, आल्सो रिमूवल एंड बैन ऑफ मेंबर्स। अगर दोस्तों कोई हार्म करने की आप ग्रुप में कुछ कोशिश करते हैं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। तो पहले आप रूल्स को जरूर पढ़ ली करें, डिस्कशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारे या पोस्ट डाले हुए हैं कलेक्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरह के। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि आप कैसे अपने कॉइन्स का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों जहांगीर राजा का कॉइन है, देख सकते हैं लोहा टकसाल का। तो नीचे चलते माई कलेक्शन, ये भी एंशियंट कॉइन है ग्वालियर स्टेट का, 1 पैसा। और दोस्तों यहाँ पे अगर लिखा हुआ है भरत कुमार सोनी ने ID प्लीज, उनको इस कॉइन का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दोस्तों उन्होंने पोस्ट कर दिया है। तो दोस्तों कमेंट पढ़ सकते हैं कॉइन कौन सा है। दोस्तों यहाँ रोहित शीशा ने लिखा है कि जहांगीर लोहर मिंट, मतलब ये कॉइन जहांगीर लोहर मिंट का है। तो इस तरह से आप अपने कॉइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कॉइन की नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों आपने पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको राइट समथिंग में लिखना होगा। तो समथिंग लगा के फ़ोटो पे अटैच कर दीजिएगा। तो जैसे इस तरह की फ़ोटो आप, अगर आपको इस कॉइन का नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ID प्लीज़। तो जो एक्सपर्ट होगे वो आपको इस कॉइन का इन्फॉर्मेशन बता देगी कॉइन कौन सा नहीं है। बट दोस्तों यहाँ तो लिखा हुआ 1/4 आना इंडियन स्वेप, ये आपको एग्जांपल के तौर पे लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो अगर आपका कोई एंशियंट कॉइन है तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं अगर एक्सपर्ट को पता होगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कृष्ण एस बनेले ने लिखा हुआ ID प्लीज़। तो इस कॉइन का फ़ोटो डाला हुआ है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा प्लीज़, अगर आपका एंशियंट कॉइन की फ़ोटो साफ फ़ोटो खींच के क्लिक करके आप यहाँ डालेगा
तो कमेंट्स हम पढ़ के देख लेते कौन सा कॉइन है ये। तो रोहित सीशा ने लिखा हुआ है, ऑलवेज टेक फोटो ऑफ डार्क कॉइन ऑन डार्क बैकग्राउंड। और नीचे करण राणा लिखा है, मालवा सुल्तान का एक कॉइन है। तो इस हिसाब से आप अपने कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। और द्वारा उन्होंने पोस्ट किया आईडी प्लीज़, तो देखते हैं कॉइन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे नेम शेख ने लिखा है, बीजापुर सुल्तान का एक कॉइन है। और नीचे अहमद अजहर शेख ने लिखा है, बीजापुर सुल्तान। तो इस हिसाब से आप दोस्तों आप भी अपने कॉइन्स के और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। आइडेंटिफाई प्लीज़ प्लीज़, वेट इज अराउंड 6 पॉइंट राम। तो किसी को इस कॉइन की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उन्होंने किसी ने भी यहाँ कमेंट नहीं किया है। दोस्तों इस हिसाब से अपने कॉइन्स के बारे में यहाँ पे एंशियंट कॉइन के बारे में आप भी जान सकते हैं। लेट कुशान, किंग, कनिष्का, यूनिट आई थिंक, एक्सपर्ट व्यूज प्लीज़। तो पूरी कुशान इस हिसाब से लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके कॉइन्स के बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगी। दोस्तों मैं और ग्रुप्स भी आपको बताऊंगा जहाँ पे आप अपने कॉइन्स नोट को सेल कर पाओगे। बट दोस्तों यहाँ पे अगर आपके कोई एंशियंट कॉइन है उसका आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया कि आप भी अपने कॉइन्स नोट कर कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं तो लाइक दे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव तो वीडियो से कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, सक्सेसफुल रहे। जय भारत।